नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एम एस यूनिवर्सिटी, मास्टर ऑफ कॉमर्स एम कॉम और पीजी डिप्लोमा के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलहाल चल रहा है और सिर्फ एक दिन का शेड्यूल है वो बाकी रह गया है और वो शेड्यूल आने वाले कल का है, यानी कि 7 अगस्त का। कल का जो शेड्यूल है वो सिर्फ आउटसाइडर स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया है और उनको एमकॉम और पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेना है एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में, तो ये शेड्यूल उनके लिए कल 7 अगस्त के दिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 7 अगस्त के दिन जो उनका शेड्यूल है 11 बजे का, 11 बजे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं और उनका टोटल परसेंटेज 65% से ज़्यादा 65 से ज़्यादा है तो उन सभी को कल 11 बजे एमकॉम बिल्डिंग पर आना रहेगा। उसके बाद 12 बजे का जो शेड्यूल है उसमें भी सभी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका परसेंटेज 55 से लेकर 64 के बीच में है, यानी कि 55% से लेकर 64 के बीच में, उन सबको कल 12 बजे आना रहेगा एमकॉम बिल्डिंग पर। और जो थर्ड स्लॉट है, तीसरा स्लॉट, वो है 1 बजे का, जिसमें जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज 40 से लेकर 54 तक है, यानी कि 40 से लेकर 54 तक है, 40 to 54, और सभी कैटेगरी ऑल कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, उनको कल आना है दोपहर के 1 बजे। और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटसाइडर फ्रॉम एमएसयू जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है, तो मैंने जो परसेंटेज बोला और जिस शेड्यूल पर जिस टाइमिंग में बोला उस टाइमिंग में सभी को आना रहेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है तो मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रिजल्ट की जेरोस कॉपी और रिजल्ट की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके आनी रहेगी। साथ साथ में आपने जिस भी कॉलेज से आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है वहाँ से आपको आपका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भी लेके आना रहेगा। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट अगर ना हो तो यूनिवर्सिटी या कॉमर्स फैकल्टी आपको टाइम देगी, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको यहाँ सबमिट कराना रहेगा। साथ साथ में मैं आपको बता दूँ कि आपको आपका 12th का रिजल्ट लाना रहेगा, 10th का रिजल्ट लाना रहेगा और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की एलसी भी आपको साथ में लानी रहेगी। और एमकॉम के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके फॉर्म की भी आपको 2 कॉपी लानी रहेगी। और सबसे जो जरूरी है, नेसेसरी, थैलेसमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अगर आपने करा लिया है तो उसकी रिपोर्ट की जेरोक्स या फिर उसकी रिसिप्ट भी चलेगी। अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं कराया तो वो एमकॉम बिल्डिंग पर आ सकते हैं। एमकॉम बिल्डिंग पर सुबह जो 11 बजे है वो थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट स्टार्ट होता है और फर्स्ट फ्लोर पर एमकॉम बिल्डिंग जो आई हुई है फतेहगंज पंडा ब्रिज के पास, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर एमकॉम बिल्डिंग के वहाँ पे थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट किया जाता है। तो कल सभी स्टूडेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट की 2 जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी लेकर आ जाएं दिए गए शेड्यूल के टाइमिंग पर। नमस्कार।